उसके पास एवरीथिंग दैट वी नीड इसके मतलब जो चीज हमें चाहिए जीसस हैज ऑलरेडी गॉट इट फॉर अस राइट यीशु मसीह ने वो हमारे लिए दस्तयाब कर रखी है हालेलुया क्या ये खुशी की खबर है गुड न्यूज ये ही खुशी की खबर है इवन इफ यू आर एन ओल्ड मैन चाहे आप एक बुजुर्ग मर्द भी क्यों ना हो यू आर स्टिल अ चाइल्ड इन द आईज ऑफ जीसस आप बुजुर्ग हैं तब भी आप खुदा के बेटे हैं इट डजंट मैटर हाउ ओल्ड वी गेट वी आर ऑलवेज अ चाइल्ड इन द आईज ऑफ द फादर इसका ये मतलब है कि हम चाहे जितने मर्जी बुजुर्ग क्यों ना हो जाए तब भी हम खुदा के बेटे और बेटियां ही रहेंगे And even old men like me, we need to know the hand of a father around us sometimes. और मेरी तरह मैं बेशक बुजुर्ग हूँ बूढ़ा हो गया तब भी मुझे मालूम है कि खुदा हमेशा मुझे अपने साथ लिए हुए हैं. And sometimes old men like me, we have to come before God and say, Father, it's me, your son. I am your child. और मालूम का हम बुजुर्गों को बड़ों को ये कहने की जरूरत है, आए आसमानी बाप, मैं तेरे पास आया हूँ, मैं तेरा बेटा और बेटी हूँ. Hallelujah. Everything's all right? Yes, please. Let me share one more scripture with me from 1 John chapter 4.